नमस्कार, मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काईलाइट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और जो भी अपना पहला वीडियो अपलोड हुआ है कहीं ना कहीं आपने उसको देखा है। अगर आपको लगता है कि उसमें किसी प्रकार का डाउट है, किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है या आपको लगता है कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गार्जियन इसको देख रहे हैं, कुछ हमारे बड़े भाई इसको देख रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त देख रहे हैं और हमारे कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको ये देखना है। अगर आप जो हमारे बड़े देख रहे हैं, हो सकता है हमारे बड़े भाई या गार्जियन या पेरेंट्स जो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें और पहुँचाएँ। और इस मुहिम में जो हम ये देना चाहते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन और कंटेंट, कहीं ना कहीं उसमें हमारा सपोर्ट करें और इस वीडियो को उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, हमने अपने पिछली क्लास में बात किया था रियल नंबर की, जो कि पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्लास 9th का रियल नंबर डिस्कस करेंगे, देन हम क्लास 10th का रियल नंबर डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बाद कहीं ना कहीं हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। बट अगर हम बात करें क्लास 9th के रियल नंबर में, अगर क्लास 9th के नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर की बात करें, तो उसमें हमने सीखा था कि रियल नंबर क्या होते हैं बेसिकली, और रियल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं रियल नंबर को समझने के लिए हमको रेशनल एंड इरेशनल नंबर को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पहली बार जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अगर वो इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो हमारे जाके पहले के वीडियोज़ को देख सकते हैं और देन अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पूरा का पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा हम एक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं क्या हमने पहले क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद हम अपने जर्नी को आगे करेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा हुआ था। तो दोस्तों, रियल नंबर जिसका सिंबल होता है R, हमने लास्ट क्लास में अपने इसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली हमने बताया था कि रियल नंबर जो होता है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, एंड रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो रियल नंबर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो हमारे हो जाएंगे रेशनल नंबर, इनका सिंबल हम लोग लिखते हैं क्यू से, दूसरे हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें रेशनल नंबर को, तो हमने रेशनल नंबर को भी अलग से क्लासिफाई किया था। अगर हम लोग इसमें देखें तो एक हमारे होते हैं इंटीजर, जिनको हम लोग जेड से सिंबल लिखते हैं इंटीजर्स, एंड दूसरे होते हैं हमारे नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। अगर हम इंटीजर्स की बात करें, तो हमारे इंटीजर्स में भी दो सेक्शन हो सकते हैं, एक तो हमारे होते हैं निगेटिव इंटीजर एंड दूसरा हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, इसी को हम लोग लिख देते हैं होल नंबर, इसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से। फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग दो पार्ट में, एक हो सकते हैं हमारे जीरो एंड दूसरे हो सकते हैं हमारे
नेचुरल। इसको हम लोग लिखते हैं सिंबल एन से। दोस्तों अपने लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था, हमारे रियल नंबर क्या होते हैं। हमने एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको। रियल नंबर हमारे होते हैं बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज द रियल नंबर। हमने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। कहीं ना कहीं अगर रेशनल नंबर को अलग से क्लासिफाई करें तो दो तरीके के होते हैं, एक इंटीजर फॉर्म में होते हैं, एक नॉन इंटीजर फॉर्म में होते हैं, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। और इंटीजर में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर हमारे आते हैं। कहीं ना कहीं इसी के अंदर हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आते हैं। अगर हम फर्दर नेचुरल नंबर को आगे क्लासीफाई करें तो इसी में निकल के आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था, एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं। कहीं ना कहीं अगर नॉन इंटीजर रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे रहते हैं लाइक एज 2/3 एंड -4/7, 0.3 का बार एंड 1.67, इस तरीके के नंबर होते हैं जो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में आते हैं। कहीं ना कहीं ये 0.3 बार या बार की जो भी प्रॉब्लम है, या जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इनको हम लोग रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम अभी आगे के अपने टॉपिक में देखेंगे। तो ये सिनेरियो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश किया था। स्पेशली आपको सब कुछ तो समझ में आ जाएगा, हो सकता है आपने पहले से कहीं पढ़ा हो, लेकिन आपको जो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है अगर उसमें आपको कहीं किसी प्रकार का डाउट है तो आगे आपको क्लासेस नहीं समझ में आएंगे। और कहीं ना कहीं आपको लगता है इससे जुड़े हुए जो आपको 3 या 4 टॉपिक्स और हैं वो भी आपको नहीं समझ में आएंगे, और ये एक बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, अगर ये आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है तो आगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप एक बार दोबारा जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ हमने बताया था स्पेशली इरेशनल नंबर, क्योंकि जितने नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं वो सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। हमने बताया था अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल, क्योंकि बुक की डिफिनेशन में लिखा हुआ है अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। यहाँ से हमको बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है चीज़ें, बट इसका हमने एक मॉडिफाइड डिफिनेशन बनाया था, अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ़ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर के पास डेसिमल सिस्टम है और उसके डिजिट ना तो कभी ख़त्म हो रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन सेक्शन था। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ लिया था, हमको प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ना था, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसको पढ़ लेने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रेशनल नंबर हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमने लिखा था 0.3 का बार एंड 1.67 लिखा हुआ है, तो इनको हम कैसे रेशनल में या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमको दो रेशनल या दो इरेशनल या एक रेशनल और एक इरेशनल के बीच में दोनों रेशनल या इरेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको हमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोई नंबर रेशनल है इरेशनल है किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमको बहुत डिटेल में इरेशनल नंबर को पढ़ना है, क्योंकि इरेशनल नंबर के अलावा जितने नंबर्स होते हैं सबके सब रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर को सिर्फ आपको थोड़ा समझना है और उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टीज देखिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ टू आर मोर देन टू नंबर विल ऑलवेज बी रेशनल नंबर। दोस्तों हमने लिखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मीन्स जोड़ घटाना गुणा और भाग। दो परिमेय संख्याओं का या दो से ज़्यादा परिमेय संख्याओं का हमेशा परिमेय संख्या होता है। दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरली हम लोग दो ही लेके चलते हैं क्योंकि जो दो के लिए फंडामेंटल होता है वही तीन के लिए भी होता है। तो मैथ में अगर ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि हमेशा टू के लिए लिखा रहता है, बट हमने यहाँ पर लिख दिया टू आर मोर देन टू दोनों के लिए। ठीक, तो इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम एडिशन की बात करें, टू बाई थ्री आपको पता है फ्रैक्शन में लिखा है प्लस फोर बाई सेवन, कहीं ना कहीं इनको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। आपको लिखा है वन बाई टू प्लस फाइव बाई टू, आप एलसीएम के थ्रू इनको ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड करने के बाद देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में ही मिलेगा। जैसे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 21, 3 से 5 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12 एंड कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा 26 बाई 21। ये कितना हो जाएगा 6 बाई 2 दैट इज 3। इसी तरीके से अगर आपको 4, ये पहला आपका एग्जांपल है, ये आपके दूसरा एग्जांपल थे, ये तीसरा एग्जांपल 4 प्लस 1 बाई 3, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4 3 जा 12 और 13 बाई 3। आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं तरीके से। अगर आप बात करें चाहे एडिशन की बात करें, अगर यहाँ पे हम माइनस भी कर दें तब भी कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी रेशनल नंबर, ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज थी। या यहीं पर अगर हम मल्टीप्लाई की भी बात करते हैं, मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 1 अपॉन 2 इंटू 5 बाई 3 आपका हो जाएगा 5 बाई 6। इस तरीके से चाहे आपको मल्टीप्लाई करना हो, एक डिवीजन का भी हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं क्योंकि बहुत इजी, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2। आपको पता है डिवाइड को जैसे ही आप मल्टीप्लाई में करेंगे आपके डिजिट इंटरचेंज जाएंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, कहीं ना कहीं आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 आ जाएगा। सो ये आपको एकदम क्लियर हो गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर विल ऑलवेज विल बी रेशनल नंबर। ये तो आसान बात थी, ये तो आपको पहले से भी समझ में आ रही थी। अब आगे हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर।
दोस्तों हमने इरेशनल नंबर के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया था। इसकी दो आइडेंटिफिकेशन होती है, एक तो वो नंबर जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट या सिक्स्थ रूट, अगर हम बात करें क्योंकि अभी आप लोग फैमिलियर नहीं हैं तो हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट की वो सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे बात करें रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, इस तरीके के नंबर। दूसरे नंबर वो होते हैं, दूसरे एग्जांपल हमको देखने के बाद मिलते हैं जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो और ना तो कभी वो ख़त्म हो रहे हो और ना ही उसमें कोई डिजिट का रिपीटिंग हो। इट मीन्स दैट कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बताया था। अब हमने यहाँ पे लिखा है एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। कैसे आएगा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें एडिशन, एडिशन एडिशन की बात करें तो जैसे हमने लिखा है टू प्लस रूट थ्री, अगर हम बात करें टू हमारा रेशनल नंबर है, रूट थ्री हमारा इरेशनल नंबर है, अगर इन दोनों को हम ऐड करने की बात करें तो क्या इनको हम डायरेक्टली कभी ऐड कर सकते हैं? क्योंकि दो चीज़ें आप याद रखिएगा अपने लिए, ये हम आपको याद करा दे रहे हैं क्योंकि अपनी कैलकुलेशन में हमारे लिए बार बार यूजफुल होगा, तो इसको याद कर लेते हैं। एक हम हमारे लिए रूट टू, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट करके, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, आगे सॉल्व होता रहता है, तो हमको डेसिमल के तीन प्लेस तक याद रखना है रूट टू। एक वैल्यू होती है रूट थ्री की, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट, एक होता है रूट टू, ये आप याद रखेंगे अपने पास में। तो कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 के आसपास, और आप चाहते हैं कि 2 प्लस रूट थ्री, इन दोनों को ऐड कर दें। तो अगर आप ये देखते हैं कि रूट थ्री की वैल्यू तो होती है 1.732 डॉट डॉट करके, और इसमें आप चाहते हैं कि 2 को ऐड कर दें, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.000000000। क्या आप सोच पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका फाइनाइट नहीं पता, ये कहाँ तक सॉल्व हो रहा है, तो इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा एडिशन शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट ही नहीं, इसका पता ही नहीं कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, इनको हम डायरेक्टली कभी ऐड नहीं कर सकते, इधर से जरूर ऐड कर सकते हैं बट ये हमारे प्रोसेस में नहीं है, हम इधर से ऐड नहीं करते, हम तो हमेशा राइट साइड से एडिशन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको कुछ कन्फर्म ही नहीं है हम कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास डिजिट ही नहीं कन्फर्म है, तो इसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसी में हमारे पास माइनस है, अगर हमको माइनस करना है एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लिख देते हैं 2 माइनस रूट 3, तब भी हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इस बार 2 को हमको ऊपर लिखना होगा, 1.732 नीचे लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बट आप इस बात को समझ पा रहे हैं, इनको आप कम्प्लीटली माइनस नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि इनको अगर आप माइनस भी करेंगे तो आपको कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है किस तरीके से आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इनको आप माइनस करने के बाद जो निकालेंगे वो भी आपके इरेशनल ही आएंगे। इसी तरीके से और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, रूट फाइव प्लस 1/6, 1/6 आपका रेशनल नंबर है, रूट फाइव आपका क्या है, इरेशनल नंबर। इन दोनों का आप सम करेंगे, दो या दो से ज़्यादा के लिए भी अगर हम इसमें कुछ और एडिशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम ला देते हैं रूट थ्री, या यहीं पे लिख देते हैं माइनस रूट टू, कहीं ना कहीं ये सब के सब मिला के हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इट मीन्स दैट कि अगर कॉम्बिनेशन आप प्लस माइनस कर दें तब भी नंबर हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। एक कोई भी रेशनल है, एक कोई रेशनल है, और चाहे कितने भी आपके इरेशनल नंबर उसमें ऐड सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपका हमेशा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल की बात करें, लिखा है 3√2, आप समझ पा रहे हैं 3 × 1.414 डॉट डॉट। आपको लगता है कभी इसको आप फाइनाइटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यू से ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिवीजन की बात करते हैं √2/3, ये भी नंबर हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आप कभी डायरेक्ट जाके ऐड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 1.414 डॉट 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 करके अपॉन में 3। तो कहीं ना कहीं ये हम बताना चाह रहे थे कि
एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज विल बी इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जैसे लिखा हुआ है 3/√2, इट मीन्स दैट कि अगर ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि √2/√3, क्योंकि ये तो दोनों इरेशनल नंबर हमारे हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल हमारे पास आगे आएगा देखने के लिए, इसको तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। बट अगर कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है 3/√2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, रूट टू हमारे पास डिनोमिनेटर में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी आपके पास न्यूमिनेटर में रूट लिखा है तब तो इजीली आप कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो सबसे पहले हम उसको रेशनलाइज करेंगे और अपने रूट को हम लोग कहाँ भेजेंगे, न्यूमिनेटर में भेजेंगे, तब भी वो नंबर हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो नंबर तो हमारा इरेशनल आ जाएगा। बट इस तरीके को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे रेशनलाइजेशन, जहाँ पे हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में कभी आपको रूट मिल जाता है तो उसको हम लोग रेशनलाइज करके न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। चलिए हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तीसरा नेगेटिव ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी ऑलवेज, नेगेटिव ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी ऑलवेज रिमेन सेम। इट मीन्स दैट कि अगर कोई एक नंबर रेशनल है, कोई एक नंबर रेशनल है, हम लोग उसका नेगेटिव ले लेते हैं तो वो भी नंबर रेशनल ही रहेगा। अगर एक नंबर इरेशनल है, हम लोग उसका नेगेटिव ले लेंगे, तब भी वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल ही रहता है। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने पढ़ा। एक इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और बची है जो हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। जब हमारे दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा इरेशनल नंबर हो जाते हैं, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ टू आर मोर देन टू नंबर मोर देन टू इरेशनल नंबर विल बी दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ टू और मोर देन टू इरेशनल नंबर विल बी क्या होगा, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा रेशनल होगा, आप लोग को लग रहा होगा इरेशनल होगा, बट आपको जो यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, कुछ शॉकिंग रिजल्ट आने वाले हैं, वो आप देखिएगा जरा। जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन के लिए। अगर हम एडिशन की बात करें, √2 + √3,
आपको लग रहा होगा ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर दूसरी बात करते हैं रूट थ्री प्लस रूट फाइव, तीसरा बात करते हैं रूट थ्री प्लस रूट ऑफ टू बाई थ्री, कहीं ना कहीं आपको लग रहे हैं ये सारे नंबर कैसे होंगे हमारे इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। रूट टू की वैल्यू होती है आपको पता है 1.414 एंड 1.732, कहाँ इनको ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ से थोड़ी नहीं ऐड करेंगे बीच से, आप तो लास्ट से ऐड करना शुरू होंगे, लास्ट तो फाइनाइट ही नहीं है इसका, डिफाइन ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इसको आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। बट अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, एक हम लिखते हैं रूट टू एंड प्लस माइनस रूट टू, पांचवा हम लोग लिखते हैं रूट थ्री प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री, ये नंबर हो जाएगा जीरो, ये नंबर हो जाएगा जीरो, क्योंकि जितना नंबर प्लस का उतना नंबर माइनस का, तो क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ से क्या रिजल्ट आपके पास आ रहा है, ये नंबर तो रेशनल हो जा रहा है, ऊपर के केसेस में आ रहा है आपके पास इरेशनल, नीचे केसेस में आ जा रहा है रेशनल। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा नंबर्स के ऊपर, हम नंबर किस टाइप का लेते हैं उसी टाइप के हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इट मीन्स दैट अगर आप हम लोग माइनस के लिए बात करें, सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें, तो कहीं ना कहीं सब में अगर माइनस लगा देंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट हमको वही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, एक प्लस रूट टू ले लेंगे एंड यहाँ पे दोनों सेम सेम ले लेंगे। जब हम लोग माइनस का एग्जांपल लेने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे, दोनों नंबर हम लोग सेम ले लेंगे। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिख रहे होंगे तो दोनों नंबर को हम लोग सेम कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, दो इरेशनल नंबर को हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कर सकते हैं, ऐसी तो कोई कंडीशन यहाँ पे लिखी नहीं है। सो चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, आप देख पा रहे हैं कभी आपके पास क्या रिजल्ट आ जा रहा है, कभी आपके पास रेशनल का रिजल्ट आ रहा है, कभी आपका इरेशनल का रिजल्ट आ जा रहा है। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पे आगे जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है आगे भरते हैं क्या हो पाएगा। मल्टीप्लीकेशन रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, रूट फोर इंटू रूट एट, क्या हो जाएगा आपके पास रूट 32 हो जाएगा। बट आपके पास एक तीसरा रिजल्ट आ रहा है रूट 8 इंटू रूट टू, दैट्स इज रूट 16 एंड रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4। एंड नए और एग्जांपल्स आप देखिए, रूट ऑफ 32 इंटू रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 64 दैट्स इट 8, रूट 3 इंटू रूट 3। यहाँ पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कभी आपका रेशनल आ रहा है कभी आपका इरेशनल आ रहा है। रूट 6 आपका इरेशनल होता है, रूट 32 आपका क्या होता है इरेशनल होता है। बट आप नीचे के तीन रिजल्ट्स में देखेंगे 4 एंड 8 एंड 3, ये नंबर आपके कैसे आ रहे हैं, रेशनल आ रहे हैं। तो यहाँ से भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है, कभी आपका रेशनल आ रहा है कभी आपका इरेशनल आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम डिवीजन की एग्जांपल की बात करें, डिवीजन की एग्जांपल में अगर हम बात करें, अगर हमने लिख दिया है रूट 18 अपॉन रूट 2 दैट इज रूट 9, ये हमारा हो जाएगा 3। बट अगर हम बात करें रूट 10 अपॉन रूट 2 दैट्स इज रूट 5। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आप नंबर्स को सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रूट 5 आ जाएगा, रूट 9 आ जाएगा, रूट 27 अपॉन रूट 3 रूट 9 दैट्स इज 3 हो जाएगा, एंड रूट 8 अपॉन रूट 2 आपका आ जाएगा, रूट 4 आ जाएगा दैट्स 2 हो जाएगा। या दो नंबर हम सेम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आपको कर देते हैं रूट 10 अपॉन रूट 10 दैट्स इज 1, ये भी रेशनल आ गया, ये थी
प्लस माइनस 3। अब आपको देखने में आ पा रहा है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अगर हम दो इरेशनल नंबर, दो या दो से ज़्यादा इरेशनल नंबर का कर देते हैं तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट से एनी थिंग, नंबर विल बी रेशनल, नंबर विल बी इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ फिल इन द ब्लैंक भर देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ टू आर मोर देन टू इरेशनल नंबर विल बी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग, नंबर विल बी आइदर रेशनल आर इरेशनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप हमको इसको प्रूविंग भी करना है आगे जाके सिलेबस में अपने, तो हम लोग प्रूव भी करेंगे, बट अभी हमको ये समझ में आना चाहिए, नंबर देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए नंबर हमारा रेशनल है कि नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। आई होप, आशा करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब इस पे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, पहले हम वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नंबर हमारे कब रेशनल होंगे कब इरेशनल होंगे, देन हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कहने का सेंस ये है कि जो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पीछे छोड़ के रखा हुआ है डेसिमल को, उनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आरडी शर्मा की बुक का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल आर इरेशनल नंबर, identify the following as rational or irrational number, give the decimal representation of rational number। पहला हमारे पास क्या लिखा है, रूट फोर, रूट फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस टू। ये हमारे नंबर कैसे हो जाएंगे, ये हमारे नंबर हो जाएंगे रेशनल, ये नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे रेशनल हो जाएंगे। आगे हमारे पास लिखा है थ्री रूट एटीन, रूट एटीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री रूट एटीन, रूट एटीन को हम लोग, वैसे भी आपको दिख रहा है रूट एटीन परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, बाहर तीन लिखा हुआ है, थ्री रूट एटीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारा रेशनल होगा, दूसरा नंबर हमारे पास थ्री रूट एटीन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। तीसरा हमारे पास लिखा हुआ है रूट के अंदर 1.44, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1.2, या इसी को अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 144 अपॉन 100, और आपको पता है ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 1.2। ये डेसिमल में भी आ गया, ये नंबर में हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। रूट 9 अपॉन रूट 27, इसको आप अंदर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 1/3, ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। माइनस ऑफ रूट ऑफ 64, आपको पता है निगेटिव या पॉजिटिव से रेशनल और इरेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड रूट माइनस ऑफ रूट 64 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ रूट ऑफ 64 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लास्ट में आपके पास लिखा है रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 को आप लिख सकते हैं 10, कहीं ना कहीं ये भी हमारा नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड विच वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ईटीसी रिप्रेजेंट रेशनल आर इरेशनल नंबर। अगर इसके पहले एग्जांपल की बात करें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, इट मीन्स दैट एक्स इक्वल टू रूट 5, और आपको पता है स्क्वायर रूट के वो सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो नंबर हमारे कैसे कहलाते हैं, इरेशनल। तो पहला हमारा हो जाएगा इरेशनल, दूसरा हमारे पास लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3, हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, इंटीजर में आ रहा है, रेशनल हो जाएगा। जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.04, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04,
इट मीन्स दैट जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.04, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा इसको डिटेल में देख सकता है यहाँ पे आगे, हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर 4/0.04 लिखा है, इसका जब आप डेसिमल हटाएंगे तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.04/100। और ये ऊपर नंबर होता है 2 का रूट, नीचे हो जाएगा 10 2/10, दैट्स इज 0.2। ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 17/4, 17 आपको पता है रूट ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17/4, तो हमारी यू की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 17 अपॉन हो जाएगा 2। आपको पता है रूट ऑफ 17 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये नंबर हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, नीचे 2 है। बट हम जानते हैं डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज विल बी इरेशनल नंबर, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू 3, हमारे पास आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है वी स्क्वायर इक्वल टू 3, v इक्वल टू हो जाएगा √3, ये भी नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। w स्क्वायर इक्वल टू 27 लिखा है, आपको पता है √25 5 का स्क्वायर होता है एंड √36 6 का स्क्वायर होता है, तो w को आप लिखेंगे तो √27 हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं हर क्वेश्चन को बगल में, ये लिखा हुआ है w स्क्वायर इक्वल टू 27, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा W इक्वल टू कितना हो जाएगा √27, और ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। आगे हमारे पास लास्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा है t स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 0.4, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4/10। अब ये वैल्यू हो जाएगी 2/√10। डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर। आई होप, आशा करते हैं आपको कुछ हमने एग्जाम्पल दिखाए हैं, आप भी जाके अपने बुक्स पे लगा सकते हैं, और अगर आप बुक में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये ऐसा हमको उम्मीद है पूरी, और आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तीन सारे नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर। एक हमारे पास PDF और है जिसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब आपकी बुक के ही क्वेश्चन हैं, ये आपको प्रूव करने हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आगे हम इसको फिर से दिखाएंगे, ये सारे क्वेश्चन हमको प्रूव करने हैं कि ये नंबर इरेशनल कैसे होते हैं, बट हम अभी आपको आइडेंटिफाई करना सिखा देते हैं। बाकी जब हम आगे अपना टॉपिक पढ़ाएंगे नंबर को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, तब हम आपको प्रूविंग भी इसकी सिखा देंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है 1/√2, क्योंकि हमें लग रहा है विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है ब्राइटनेस, इसलिए अगर हम क्वेश्चन को लिखते चलेंगे आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला लिखा हुआ है 1/√2, ऊपर 1 हमारा रेशनल होता है, रूट 2 होता है रेशनल, डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज विल बी इरेशनल नंबर। आपको भी दिख रहा है 7/5, रूट 5 हमारा इरेशनल होता है, दोनों को एक रेशनल एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इरेशनल। एडिशन दिख रहा है सब 6+√2, आगे दिख रहा है 3-√5, 3-√5, 3 आपका रेशनल है, रूट 5 कैसा है इरेशनल है, डिफरेंस करेंगे आपके पास हमेशा इरेशनल आएंगे। कहीं ना कहीं जितने भी एग्जांपल दिखे क्योंकि प्रूविंग है तो सारे क्वेश्चन इरेशनल के ही हैं। 2-√3 आपको सबके सब दिख रहे होंगे, 2 हमारा रेशनल इरेशनल ऊपर रेशनल, यहाँ पे हमको दिख रहा है 3/√5, इट मीन्स दैट कि रूट 5 को हमको क्या करना है, रेशनलाइज कर देंगे हमारा रूट 5 ऊपर चला जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये सारे एग्जांपल हमारे पास इरेशनल के लिखे हैं, तो आप इनको बस आइडेंटिफाई कर लीजिए, बस देख लीजिए, बस एक्सप्लेन कर देना आपको समझ में आ जा रहे होंगे। 4+√2 लिखा है, 5√2 लिखा है, क्योंकि एक रेशनल एक इरेशनल को एडिशन करेंगे तो हमेशा कैसे आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 2-√3, 3+√2,
4 माइनस 5 रूट 2, कहीं ना कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा इरेशनल, और 4 हमारा रेशनल है, तो डिफरेंस करेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने बताया ना, ये क्वेश्चन हम आगे के लिए लेके आए थे, बट हम कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, बट आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए बस। रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा है, आपको पता है, हमने ये भी बताया था, एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर विल बी रेशनल और विल बी इरेशनल नंबर। तो यहाँ क्योंकि नंबर डिफरेंस है, यहाँ पर रेशनल नहीं आ रहा, तो हमारे नंबर रेशनल हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया था इसके बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमने रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को छोड़ दिया, उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ एक मेजर सेक्शन है, जो बार वाले आपके प्रॉब्लम्स हैं वहीं से निकल के आते हैं। क्योंकि उसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो आप डिटेल कॉन्सेप्ट से करते हैं तो आपका बहुत लंबा समय लगता है उसको सॉल्व करने में, एक आपके पास शॉर्टकट होता है जो आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करा देता है। तो हम लोग पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन हम आपको बताएंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को दो रेशनल और इरेशनल के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इनटू फ्रैक्शन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म। हमने लिखा है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इनटू फ्रैक्शन। कहने का सेंस है, रेशनल नंबर के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम होते हैं, इनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर इनकी बात करें तो इसमें आपके पास रेशनल नंबर में दो आते हैं, आते तो कुल मिला के तीन है, लेकिन हमको एक नहीं पढ़ना है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, एक तो हमारे क्या होते हैं इंटीजर। अगर हम टोटल रेशनल नंबर की बात करें तो एक हमारे इंटीजर होते हैं, एक हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर की तीन कैटेगरी होती है, एक तो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, दूसरे होते हैं जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं। टर्मिनेटिंग मींस डेसिमल के 1.2, 2.34 ऐसे कुछ एग्जांपल देखे हैं जो डेसिमल के एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, चार प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनमें रिमाइंडर जीरो बच जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो आते हैं, एक होते हैं आपके पास रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। आपको पहले ही हमने बता दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे चले जाते हैं, वो इरेशनल नंबर में चले जाते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा है 0.666, इसको हम लोग लिख देते हैं 0.6 का बार। कहीं ना कहीं हमने इसको छोड़ दिया था कि हम लोग कैसे इसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो कहीं ना कहीं इंटीजर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं, अपॉन वन करके इसको हमेशा हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जितने भी नंबर इंटीजर के अंदर लिखे गए हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे प्राइम हो, चाहे कंपोजिट हो, इनको अपॉन वन करके हमेशा हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इनको क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग में डाला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए हम इसको अपने सेक्शन से हटा देते हैं। अभी हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं टर्मिनेटिंग का, एंड टर्मिनेटिंग बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देन हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा, आप चाहे नाइन्थ की बात करें चाहे टेंथ की बात करें, एक दो क्वेश्चन निकल के आते रहते हैं, और इसके एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड में होते हैं, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
यहीं पे हम लोग थोड़ा सा अपने हेडिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इनटू फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग इसके हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बता देते हैं, इसके एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल में भी लिख रहे हैं 1.2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, काउंटेड करना है डेसिमल के राइट में कितने प्लेस हैं, उतने वन के बाद जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 12 हो जाएगा अपॉन 10, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका 1.2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो कहीं ना कहीं 1.2 इंटू 10 1 इंटू 10 कर देंगे, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा 12 अपॉन 10। दूसरा हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, लिखा है 2.456, इजीली कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.456 अपॉन हो जाएगा 1 के बाद 30, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1 के बाद 30, ये नंबर हमारा हो जाएगा 2456 अपॉन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6/5 इसको लिख सकते हैं, इसको भी आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे, वो हमारा मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, जब इस कैलकुलेशन की जरूरत आएगी तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तीसरा हम एग्जांपल लिखते हैं 1.678 9573, आपको पता करना है डेसिमल के बाद 3 to 5 to 7 डिजिट हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देते हैं नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, डायरेक्ट हम लोग इसका हटा देते हैं 1.67 8 9 5 7 3 2.318 5 4 3 2 9 0 7 8 3। अगर हम लोग को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको काउंटेड करना पड़ेगा, डेसिमल के राइट में 4 digit 4 3 7 7 5 12 डिजिट हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 10 की पावर 12 भी लिख देते हैं डायरेक्टली, ऊपर इसका क्या कर देते हैं डेसिमल को हटा देते हैं 2318 5 4 3 2 9 0 7 8 3। हमें लग रहा है ये आपको प्रीवियस क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दिया और आप लोग को बहुत अच्छे से पहले से ही पता था, बट हमने एक बार ब्रीफ में करके बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, पता आपको ये काउंटेड करना है डेसिमल के राइट प्लेस में, डेसिमल के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, उतने वन के बाद जीरो से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका नंबर डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं हमने स्टेप शॉर्ट आउट कर दिया, बट आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर हमने डेसिमल के बाद एक प्लेस था, इसमें हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल के बाद 3 प्लेस था तो हमने डायरेक्टली 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 7 प्लेस था तो हमने डायरेक्टली हटा के और नीचे 1 के बाद 70 लिख दिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 डिजिट थे तो हमने डायरेक्टली 10 की पावर 12 लिख दिया है, 10 की पावर 12 का मतलब ये होता है 1 के बाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल Skylight Classes पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों ये हमारी दूसरी या तीसरी मुलाकात है जिसमें हमने पहले अपनी क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर को कैसे समझते हैं और एक नए अप्रोच से हमने पढ़ाने की आप लोग को कोशिश की थी। दोस्तों आप लोग को कहीं ना कहीं जो भी हमने पढ़ाया है समझ में आया होगा, अगर ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आई है या ऐसा आपको कहीं लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े भाई हैं जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारी इस मुहिम में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को बेहतर बना पाएँ, इस मुहिम में हमारा सपोर्ट करें।